लाइन टू लाइन टैक्स हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सी सीन वन एक्ट वन सीन वन वेनस आ स्ट्रीट। वेनस की स्ट्रीट की सेटिंग है, सुन लें। पहला एक्ट जो है उसकी सेटिंग कहां पे दिखाई गई है? वेनस। वेनस जो है वो इटली का जो सिटी है उसके अंदर इसकी सेटिंग है, ठीक है, और सारे कैरेक्टर वहां पे मौजूद हैं। अब यहां पे हुआ यूं है कि रोड्रिगो जो है वो उससे पूछ रहा है कि भाई तुमने वादा किया था कि तुम मुझे डेस्टिमोना ले दोगे आयागो। ये एक अय्याश किस्म का रोड्रिगो जैसे होते हैं ना, एक लवर होते हैं जैसे आम गलियों में जो फिर रहे होते हैं, ये वैसा लवर है। और अयागो जो है ये उसने मीडिएटर लिया हुआ कि तुम मेरी अंडरस्टैंडिंग करवाओगे। और ये बर्बेंशियो की स्पीच जो बर्बेंशियो से जवाब देता है जब ये गली में शोर करता है, कहता तुम मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो खबरदार मेरे दर घर के दरवाजे के बाहर फिर आए। कहता तुम्हारी बेटी जो है वो मजे लूट रही है, उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन में है, जाओ पता तो करो कहाँ तुम्हारी वाइफ, वो बहुत सारी बातें करता है। अब ये उससे दोनों आपस में जब ये बातें करते हैं, रोड्रिगो जो है वो यागो से पूछ रहा है कि तूने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो पूरा तो किया नहीं, वो तो उसके साथ मजे लूट रही है, तुमने मुझे मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे ले दोगे डेस्डिमोना का, मेरे साथ रिलेशन बना दोगे, बट यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस, तुमने मेरे पर्स को अपना पर्स समझा, तुम क्या करते फिर रहे हो, व्हाट डिड यू डू। अब ये सारा एक्ट जो है यहाँ पे ये कहाँ टेक प्लेस होता है? हम अभी बात कर रहे हैं, हम हैं अभी इटली में, इटली के वेनिस जो सिटी है वेनिस के अंदर मौजूद हैं, और ये सारा एक्ट जो है वहां पे टेक प्लेस होगा। यहाँ पे बर्बेंशियो जो है वो अपना केस लेकर जाएगा। बर्बेंशियो किसके पास लेकर जाएगा, बोला तो करो साथ साथ, बर्बेंशियो किसके पास लेके जाएगा अपना केस? ड्यूक के पास, किंग के पास। और किंग को क्या कहेगा कि मेरी बेटी के ऊपर विचक्राफ्ट किया है इसने, मेरी बेटी मासूम थी तो इसने उसके ऊपर विचक्राफ्ट कर लिया है, तो आप इसको सजा दें और मेरी बेटी को वापस करें। वो कहता जी फैसला होगा, ड्यूक कहता है कि डेस्टिमोना पे, डेस्टिमोना स्टेटमेंट देती है ओथेलो के हक, तो ओथेलो को वो ऑर्डर देता है कि भाई तुम इसे लेकर यहाँ से कहाँ चले जाओ, फौरन चले जाओ साइप्रस, वहाँ उसे गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। अब वहाँ पे वो माइकल कैसियो को अपना क्या बना लेता है, अब उसने बना लिया है उसको माइकल कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट, जबकि जो दूसरा है अयागो जो है वो उस पर गिला करता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी, चलो देखते हैं कि क्या कहता है। पर मैंने इसकी थोड़ी सी उर्दू भी की है तो वो भी आपको सेंड की, उसे भी देख लें। हाँ जी, एंटर रोड्रिगो। पहला एक्ट जो है सीन वन, टश। रोड्रिगो कहता टश, नेवर टेल मी, आई टेक इट मच अनकाइंडली दैट दाओ आयागो हु हैस्ट हैड माई पर्स एंड इफ द स्ट्रिंग वर थाइन शुड नो ऑफ दिस। वो कहता है कि मुझे ये बताओ आयागो, तुमने टश नेवर टेल मी, कहता है यू डोंट टेल मी दैट, आई टेक इट अनफेवरेबली दैट यू आयागो, कि ये ना बताओ कि कहता है कि मैं कोई अनफेवरेबल हूँ तुम्हारी तरफ। हुज हैज हैड माई पर्स, तुमने कहता है कि हमेशा मेरे पर्स को ऐसे यूज किया है कि जैसे तुम्हारा अपना हो, यानी तुमने पैसे तो खाए हैं। हु हैड्स हैड माई पर्स एज इफ द स्ट्रिंग वर थाइंस, और इसे ऐसे ही समझा कि जैसे ये तुम्हारा अपना हो। शुडंट नो ऑफ दिस, तुम ये सारे मामला से बाखबर नहीं थे कि क्या बन रहा है, अथेलो के साथ वो मजे लूट रही है और तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया? कहता है सो ब्लड द ब्लड द बट यू विल नॉट बियर मी, कहता है बाय गॉड्स ब्लड। अब यहां पे ये जो उसने एक इडियम बोला है यहां पे, ये एस ब्लड, अब ये जो एस ब्लड है इसका मतलब क्या है? गॉड्स ब्लड। गॉड ब्लड, गॉड्स ब्लड क्या बनेगा? मजीद इसको हम खींचते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो क्राइस्ट के ब्लड की कसम, सन ऑफ गॉड वो मानते हैं क्राइस्ट को, कहते हैं जी क्राइस्ट
ब्लड, कहता है कि मुझे क्राइस्ट के ब्लड की कसम है, चूंकि वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट की कसमें खाते हैं। सोन ब्लड बट विल नॉट बी, नॉट बी योर मी, तुम कहता है कि खुदा के ब्लड की कसम, बट यू विल नॉट बी योर मी, तुम मुझ पर कहता है कि इतबार नहीं करोगे, मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर इतबार नहीं करोगे। If I ever did dream of such a matters, abhor me, अगर मैंने कभी कहता कि ऐसा कभी मेरे ख्याल भी आया हो या मैंने कभी ड्रीम में भी ऐसा सोचा हो, abhor me, तो तुम मुझसे नफरत करो। ठीक है, आगे रोड्रिगो कहता है despise me, कहता है मुझसे नफरत करो। If I do not three great ones of the cities in the personal suit to make his lieutenants of the cap cap to him and by the faith of the man, I know my price, I am worth of the worst a place, but he is loving his own pride and purposes। अब देखें, कहता है despise भी, मुझसे नफरत करो। वो कहता है कि मैं थैलो से खुद नफरत करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। तुम थैलो की बात कर रहे हो कि मुझे कोई थैलो से कोई हमदर्दी है। आई डू नॉट हैव एनी सिंपथी विद दिस पर्सन, दिस पर्सन हैज रिसीव मी एज वेल, ही डिड नॉट गिव माय ड्यू राइट बिकॉज आई वर्क एंड आई फॉट फॉर मेनी मेनी वर्स एंड आई वॉज देयर इन द कब्रस एंड साइप्रस एंड इवन इन द रोड्स एंड समवेयर लाइक दिस वर्स एंड आई प्लेड वेल, आई फॉट वेल एंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द वॉर एंड फॉट एंड लेड मेनी वॉर्स एंड ही इज ऑल्सो विटनेस ऑफ माई ब्रेवरी, but he did not give value to my bravery, he has given place to the Michael Cassio, he does not know anything, he is totally theoretical person, he is not practical person। isme to wo theoretical ek theory janta hai, wo practical bookish knowledge rakhta hai, usko pata hi nahi kaise daste fauj mein utare jate hain maidan mein, usko isne value di hai। despise me, kehta mujhse nafrat karo, if I don't, agar main bhi usse nafrat na karta hu to, three of the men of the city, kehta three great men of the city, बड़े बड़े कहता है कि जो सिटी के लोग हैं, इन अ पर्सनल सूट टू मेक हिज लेफ्टिनेंट, उन्होंने मुझे इसका पर्सनल जो पर्सनल उन्होंने लेफ्टिनेंट मुझे इसका सिलेक्ट किया, यानी उन्होंने फैसला किया कि मैं बनूंगा क्या लेफ्टिनेंट ऑफ कैप एंड बाय द फेथ ऑफ द मैन आई नो माई प्राइस। और कहता है कि इन लोगों की वजह से, यानी ये लोग जितने भी लोग हैं जो मेरे ऊपर यकीन रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा फाइटर हूँ, बहुत बड़ा एक सोल्जर हूँ, आई नो माई प्राइस, मैं अपनी वैल्यू भी जानता हूँ, आई एम नॉट वर्थ नो वर्स इन अ प्लेस, मैं कोई बुरी जगह नहीं रखता या मेरी कोई ऐसी वैसी, कहता है कि मेरी वैल्यू नहीं।